यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम एंटी ड्रग कैंपेन बाय इंडियन आर्मी, तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम के हवाले से? अच्छा प्रोग्राम ने शुरू करा था यहाँ पे जो हमारे अभिषेक सर है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। तो लोगों को वो इन्फॉर्म कर रहे थे कि ड्रग्स से कौन कौन से मसाइल होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो जो हमारे सर है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था उन्होंने। और मैं आपको बताता चलूँ, जो अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो तीन चीज़ें होती है मेन जिनकी वजह से जो हमारे बच्चे होते हैं वो ड्रग्स की तरफ रागिब होते हैं। नंबर वन होती है जो मतलब कोई रिलेशनशिप में किसी की वजह से तो हो जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं। तो एक तो दूसरी जो होती है, दूसरा जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर हम डीप कॉज जो देखेंगे वो वही है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ के हालात, अभी आप देख सकते हैं ग्रासलैंड का मसला था और आर्टिकल का मसला हुआ, तो उन सब चीज़ों से जो हमारे जो PhD स्कॉलर्स हैं वो घर पे बैठे हैं, वो ड्रग्स नहीं करेंगे। तो वेरी राइटली सेड, आपने कहा कि काउंसलिंग, क्या काउंसलिंग करने की ज़रूरत है इन ड्रग एडिक्ट्स को? हाँ बिल्कुल, जो आपको भी वैसे पता ही होगा, अब जो हमारे यहाँ वाइन शॉप्स को लाइसेंस दी जा रही है यहाँ पे, तो मेहरबानी करके मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को फिर से मौजबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस मैटर पे देखें कि क्या मसला है और क्या नहीं। जो बॉयज़ ड्रग करते हैं या गर्ल्स ड्रग करते हैं उनके लिए कोई ख़ास मैसेज जो आप उन तक पहुँचाना चाहेंगे? हाँ बस एक ही मैसेज, किल द ड्रग्स बिफोर इट किल्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।